हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबिया साजिद। वेलकम्स यू बैक टू माय चैनल माय पैशन फॉर कुकिंग। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 6 टमाटोस, जिसको हम लेंगे और एक्स शेप में यहाँ पर कट कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब हमारे सारे टमाटोस एक्स शेप में कट हो जाएं, तब हम करेंगे टमाटोस को ब्लांचिंग। हमें यहाँ पर लेना है बॉइलिंग वाटर और उसमें सारे टमाटोस को ऐड कर देना है और इसे ढककर पकाना है फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स जब आप देखोगे तो इसका स्किन अपने आप से और इजीली निकल जाएगा, तो हमें इस स्किन को हटा देना है। जब हम इसका सारा स्किन हटा देंगे, तब हम इसको बीच से डिवाइड कर इसका ये ब्लैक पार्ट भी हटा देंगे। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये टमाटो की आई है क्या है, आई डोंट नो, वॉट एवर इट इज़, इसको हटाना है और इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर की हेल्प से। स्मूथ पेस्ट बनाइएगा गाइस। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्चुअल कुकिंग। हमें चाहिए होगा ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून। जब तेल गरम हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक चॉप 2 टीस्पून। फिर नेक्स्ट इसमें जाएगी प्याज 1 बारीक कटी हुई और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे स्मूथली ब्लेंडेड ब्लांच टमाटोस। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून एंड गिव इट अ क्विक स्टर। नेक्स्ट इसमें जाएगी अजवाइन 1/2 टीस्पून। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश बेजल लीव्स। अगर फ्रेश अवेलेबल ना हो तो आप ड्राई बेजल लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मतलब 7 से 8 तुलसी के पत्ते। इसको स्किप मत कीजिएगा, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है हमारे पिज़्ज़ा सॉस में। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो सॉस 1.5 टेबल स्पून। चीनी 1/2 टीस्पून। हम करेंगे यहाँ पर एक क्विक स्टर और फिर मिक्सचर को 5 to 6 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। स्मैशर की हेल्प से हम गार्लिक और अनियन चंक्स को कर लेंगे स्मैश, सो दैट वी हैव अ स्मूथ कंसिस्टेंसी सॉस। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप बटर को भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून और 2। और देखिए, बातों बातों में हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है स्टोर करने के लिए। पिज़्ज़ा सॉस को हम आराम से फ्रीज कर सकते हैं फॉर 3 मंथ्स एंड फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अप टू 2 वीक्स। इस तरह की फ्रीज डिशेस आपको रमज़ान में बहुत काम आएगी। यस, इंशाल्लाह रमज़ान इज़ अप्रोचिंग सून। रमज़ान से पहले बना कर रख लीजिए और अपने इफ्तार्स में इंजॉय कीजिए, लाइक पिज़्ज़ा पॉकेट्स, ब्रेड पिज़्ज़ास एंड यमी पिज़्ज़ा इट्सेल्फ। एंड यू पीपल्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।